नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देश 2 बजे में। मैं हूं राकेश पाठक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, ग्वालियर से आ रही है। यहां पर पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। 15,000 का इनामी दलाल अरविंद जाटव गिरफ्तार हुआ है। ग्वालियर SIT ने महू से इसे गिरफ्तार किया है। सॉल्वर बिठाकर 1 दर्जन छात्रों को पास कराने का आरोप है। भिंड के भिरखरी गांव का रहने वाला है अरविंद जाटव। सुशील कौशिक इस वक्त जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता। सुशील, क्या जानकारी? देखिए राकेश, आज ग्वालियर SIT को बड़ी कामयाबी मिली है। ग्वालियर SIT को सूचना मिली थी कि ये अरविंद जाटव नाम का जो दलाल है, ये बड़ा गिरोह संचालित करता था। सालवर बिठाकर PMT पास कराने का गोरख धंधा करता था। लाखों रुपए लेकर जो है ये छात्रों को PMT पास कराता था। और जब SIT को सूचना मिली तो SIT ने महू में इसके ठिकानों पर छापेमारी की और वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से फरार था। ग्वालियर SIT ने इस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। और सबसे अहम बात ये कि महू में 2007 में इसने वेटनरी में दाखिला लिया था और तब से ये 7 साल में भी डिग्री पास नहीं कर पाया था, लेकिन फर्जी तरीके से PMT पास कराने का गोरख धंधा इसने शुरू कर दिया। और रैकेट संपर्क में आने के बाद लाखों रुपए लेकर अभी तक इसने 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों को PMT पास कराना कबूल कर लिया है। पुलिस को उम्मीद है कि इससे और भी कई जानकारी मिलेगी। राकेश, बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। सुशील कौशिक जी मीडिया संवाददाता बता रहे हैं, ये बड़ी कामयाबी SIT को मिली है। 15,000 का इनामी दलाल अरविंद जाटव गिरफ्तार हुआ है। SIT ने महू से इसे गिरफ्तार किया है। PMT फर्जीवाड़े में बहुत लंबे अरसे से इसकी तलाश थी।